नागपुर कर्मचारी चयनियों को लेकर अभी क्या फैसला होना ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें जो जो अभी रिजल्ट नहीं लीक हुए हैं उसमें भी पेपर बेचे गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से बड़ा गंभीर मामला है कि हमारी संस्थाएं, जो युवा वर्ग जहां से नौकरी चाहता था, गरीब माँ बाप का बेटा जो ये सोचता था कि मुझे एक दिन सरकारी रोजगार मिलेगा, उसमें उसको सरकारी रोजगार मिलने की बजाय वो फॉर्म भरता है, टेस्ट में पढ़ता है, जब उसे पता लगता है कि पेपर पहले ही बिक गया है, धोखा हुआ है। तो इस प्रकार के गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और मैंने अपने युवा साथियों को कहा है कि आने वाले समय में हम एक पारदर्शी फार्मूला लेकर आएंगे।